उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया कि यही मौका है घर वापसी का, क्योंकि खिचड़ी सरकार में कोई फायदा नहीं मिल सकता और एनडीए को समर्थन देकर कुछ तो फायदेमंद साबित होगा। शिवसेना ने शनिवार को दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी के दो नव निर्वाचित सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिवसेना के प्रवक्ता नरेश महेस्के ने दल बदल रोधी कानून का हवाला देते हुए दोनों लोकसभा सदस्यों का नाम बताने से इनकार किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि चार अन्य सांसद भी जल्द ही इन दोनों के साथ मिलकर शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद छोटे सहयोगी दलों की निकल पड़ी है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष ने परिणाम सामने आने के बाद अपनी रणनीति बदल ली है। वह इंडी गठबंधन की दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में शामिल शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हैं, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद जीतकर संसद पहुंचने वाले हैं। अगर दोनों गुट फिर एकजुट हो जाते हैं तो फिर दोनों के 16 सांसद हो जाएंगे। शिवसेना की एनडीए में वापसी बीजेपी के लिए भी राहत की खबर होगी। कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। वो जल्दी बड़ा फैसला लेकर एनडीए या फिर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले चुनाव की शुरुआत से पहले भी उद्धव ठाकरे की वापसी की अटकलें लगती रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी के संबंध काफी अच्छे हैं। बीजेपी बैक चैनल इस रिश्ते के बदौलत उद्धव की वापसी की कोशिश कर सकता है। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नतीजे चौंकाने वाले रहे। सीटों के लिहाज से यहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस ने यहां सबसे ज्यादा 13 सीटों पर कब्जा जमाया। अब इस बीच चुनाव में कांग्रेस से शिंदे गुट की शिवसेना में गए संजय निरुपम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना उद्धव ठाकरे से मजबूत नेता बताया है। संजय निरुपम ने कहा, शिवसेना यूबीटी 22 सीटों पर लड़ी और 9 सीटों पर जीत पाई। शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 15 सीटों पर लड़ी और 7 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट देखें तो शिवसेना का रिजल्ट बेहतर है, मतलब एकनाथ शिंदे यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से ज्यादा मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। मातेश्री पर जश्न ऐसे मन रहा है मानो अकेले दम पर 272 सीटें जीत गए हो। बता दें कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी ने भी 9 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने इस लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीती है। अगर एनडीए की बात की जाए तो महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटें जीती है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के खाते में 7 सीटें आई है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी महज 1 सीट जीत पाई है। इस चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत कर आया है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।